तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को लेके आए हैं चापा का भव्य दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए। नैला और सूर्य नारायण की तरह चापा में भी दोस्तों अद्भुत और भव्य दुर्गा पंडाल बनाया गया है और माता रानी के 9 रूप यानी कि 9 दुर्गा आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को। जय जोहार दोस्तों, आज अपन लोग आप सभी को लेके आ चुके हैं चापा का दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए, भव्य दुर्गा पंडाल दिखाने के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चापा में इतना भव्य और विशाल दुर्गा पंडाल बनाई गई है। चलिए आप सभी को दिखाते हैं। भाई थोड़ा कैमरा पीछे कर दे तो, और पीछे जा, यहाँ पे देख लीजिए, और इधर साइड है दोस्तों पंडाल सामने में। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे बाहर से ये जो पंडाल है इसे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, मतलब क्या तारीफ करें इसकी। नेपाल का जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसी के तर्ज पे है, और लाइटिंग देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लाइटिंग पड़ रहा है, क्या गजब का है पंडाल बैठे उसे। चलिए अभी अंदर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। आ जा भाई भैया। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री मारोगे तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे विशाल स्टैचू देखने को मिलेगा। सामने में आप सभी देख सकते हैं योगी, 21 फीट ऊंची बताई जा रही है ये जो स्टैचू है उसकी साइज को। चलिए करीब से दिखा देते हैं उसे, देख लीजिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो स्टैचू है उसे बनाया गया है। और इधर भाई लोग हैं, देख सकते हैं। कहाँ से हो भाई तुम लोग? हम लोग सिवनी से हैं, आपके चैनल को हम लोग जानते हैं। अच्छा, वीडियोस देखते हो मेरा? हाँ। तो भाई लोग मिले हैं, ठीक है भाई, अच्छा लगा तुम सबसे मिलके। बहुत ही सुंदर स्टैचू है दोस्तों, भाई लोग से भी मिले अच्छा लगा। चलिए और माहौल दिखाते हैं क्या क्या है। तो आइए दोस्तों, अभी पहुंच रहे हैं अपन लोग पंडाल की तरफ। पूरा फ्रंट से आप सभी को ये जो पंडाल है इसे दिखाते हैं। आइए आप सभी को अंदर जा करके माता रानी का दर्शन कराते हैं, ऊपर दिखा दें। इस सुंदर तरीके से पूरा ये जो पंडाल है उसे सजाया गया है, बनाया गया है। देखिए यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ पे माता रानी के 9 रूप आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आप सभी को पूरा करीब जा करके माता रानी के 9 रूप का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं, 9 दुर्गा यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगी चापा के इस भव्य दुर्गा पंडाल में। बात करें पंडाल की साइज और हाइट को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो पूरा पंडाल है, पूरा जो गुंबद है उसे बनाया गया है। आज है नवरात्रि का पहला दिन, और पहले ही दिन आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों अभी है हमारे सामने समिति वाले भैया, चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कब से चालू हुआ था, क्या है खास, पूरी जानकारी लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी, बोलिए। तो सर यहाँ के बारे में बताइए, कब से चालू हुआ था ये जो काम है? ये प्रोजेक्ट हम 4 महीने से चल रहे हैं। हम लोग 28 जून को पहली बैठक हुई थी, तब चले कि आज ये मूर्त रूप लिया है। अच्छा। यहाँ आप देखने को मिलेगा कि 51 शक्तिपीठ जो पूरे विश्व में है माता के प्रमुख, उनकी झांकी लगी हुई है पूरे दीवालों में। और जो सामने पंडाल बना है वो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल है उसके तर्ज पे बनाया गया है। और ये जो पीछे आपको माता रानी दिखाई दे रही है, ये पूरी 9 मूर्तियां जो है माता रानी के 9 दुर्गा के 9 रूप है। शैल पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये जो 9 रूप है माँ की, सब 9 रूप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और ये बात करें जो पंडाल है उसकी साइज, पंडाल का साइज 160x85 फीट है। अच्छा, और ये मूर्ति लोग की साइज? मूर्ति 24 फीट हाइट के प्रमुख मूर्तियां, बाकी आप देख रहे हैं उनके समकक्ष घटते बढ़ते क्रम में आपके सामने दिखाई दे रही है। और ये जो मूर्तिकार है सर वो कहाँ से आए? मूर्तिकार कलकत्ता के थे, पंडाल बनाने वाले भी कलकत्ता के थे। अच्छा। और हमारा जो पंडाल का अंदर का डेकोरेटिव पार्ट है, साउंड एंड लाइट, ये हमारे कोरबा के हैं, सुनील इवेंट्स। अच्छा, तो इस प्रकार से आप सभी सुन सकते हैं दोस्तों, हर एक जो चीज है अलग अलग जगह से आया हुआ है, और बड़े ही भव्य तरीके से ये जो चापा का दुर्गा पंडाल है उसे बनाया गया है। तो सर पहली बार हो रहा है ना चापा में ऐसा? नहीं नहीं, हम लोग 28 साल से दुर्गा उत्सव मनाते थे। अच्छा, लेकिन हम लोग छोटे रूप में मनाते थे, इस बार एक कल्पना आई कि इसको थोड़ा अच्छा रूप दिया जाए, और हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने सबने साथ दिया,
और साथ दिया और पूरा नगर हमारे साथ है, इसलिए हम लोग इसमें सफल हो पाए। तो इस प्रकार से आप सभी सुन सकते हैं, धन्यवाद सर, थैंक यू। इस प्रकार से आप सभी सुन सकते हैं दोस्तों, और आप सभी देख ले सकते हैं यहाँ पे माता रानी की नव रूप जो कि सर ने बताया यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप नैला का भव्य दुर्गा पंडाल आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, वैसे ही यहाँ जरूर आवे, क्योंकि चांपा में ऐसा पहली बार हो रहा है। चांपा में बैठता था मूर्ति, लेकिन पहली बार इतने विशाल रूप में आप सभी को यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप जरूर आवे चांपा के इस भव्य दुर्गा पंडाल में। पता है दोस्तों ये कोरबा और चांपा वाला रोड में है ये इसका एड्रेस, वहां आकर के आप सभी माता रानी के नौ रूप का दर्शन कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों चांपा का जो दुर्गा पंडाल है वो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारे लोगों को मालूम चलना चाहिए इस भव्य दुर्गा पंडाल के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों भाई लोग भी आए हुए हैं पंडाल देखने के लिए, और भाई लोग हमारा वीडियो देखते हैं, धन्यवाद भाई लोग। कहाँ इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे, किस पे देखते हो? दोनों में देखते हो, ठीक है भाई, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।